ईद का त्यौहार आया है, खुशियां अपने संग लाया है, खुदा ने दुनिया को महकाया है, देखो फिर से ईद का त्यौहार आया है। जी हाँ, इस बार की ईद कुछ अलग ही था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष ना तो ईदगाह पर नमाज अदा की गई और ना ही एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी गई। हम बात कर रहे हैं राजिम से सटे गोबरा नवापारा की, जहां मुस्लिम भाइयों ने नमाज की सारी रस्में अपने अपने घरों में रहकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ अदा की और फ़ोन पर ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। 30 दिन के रोजे के बाद सफलतापूर्वक रोजा रखने की खुशी में मनाई जाने वाली ईद उल फितर का पर्व नगर के मुस्लिम भाइयों ने पूरे शान के साथ मनाया। ईद को लेकर समाज के ऊपर थोड़ा सा भी शिकन नहीं था। सभी ने लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए घरों में नमाज अदा की, सेवैयाँ भी खाई और एक दूसरे को मोबाइल से ही ईद की बधाई दी। मौलाना फाइक रज़ा, मौलाना नज़रुद्दीन, इमाम गुलाम अली, इमाम मुमताज़ अली ने नगर के सदर रोड व तर्री स्थित मस्जिदों में नमाज अदा की। वहीं घरों में नमाज अदा करने वाले मोहम्मद अशरफ खत्री, इमू सोलंकी, मोहम्मद ओवेश रज़ा, हाजी अरशद चांगल, अशरफ चौहान, फिरोज चौहान, रज़ा तिगाला, मोहम्मद आरिफ, पूर्व पार्षद जाकिर चौहान, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद शाहिद रज़ा व सदर जमात प्रमुख मुश्ताक ढेवर ने घर पर ही नमाज की अदा की और एक दूसरे को बधाइयाँ प्रेषित की। साथ ही अल्लाह से अमन की सलामती व कोरोना महामारी से निजात दिलाने की दुआ मांगी। गौरतलब है कि गोबरा नवापारा में 30 दिनों तक चले रोजे में जमात के हर वर्ग के लोगों ने रोज़ा रखा। गर्मी की चिलचिलाती धूप से भी पूरे माह भर रोज़ा रखने वाले रोज़ेदार मोहम्मद ओवेस रज़ा, मोहम्मद मोइन ने बताया कि उन्होंने पूरे माह भर रोज़ा रखा। आज रोजे की समाप्ति के बाद ईद पूरे सादगी के साथ परिवार वालों के साथ मनाया। परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ दोस्तों से भी खुशियां बांटी। हम सभी अल्लाह से वतन की सलामती व कोरोना से जल्द निजात पाने की दुआ मांगी है। ईद के पाक मौके पर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी ने नगर के मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी। साथ ही पार्षद हेमंत सहनी ने भी ईद की बधाई दी। लॉकडाउन के चलते लागू नियमों के पालन हेतु नगर के सदर, तर्री व रायपुर रोड स्थित मस्जिद व ईदगाह स्थल पर सुबह से ही पुलिस का कड़ा पहरा था। टीआई राकेश सिंह ठाकुर ने स्वयं जवानों के साथ मोर्चा संभाल रखा था। इस तरह से दिन भर पुलिस का कड़ा पहरा मस्जिदों पर था ताकि शहर में लागू सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा सके। डीएनएक्स टीवी के लिए राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। जी, ईद के इस मौके पर बताइए क्या? ईद के इस मौके पर मैं हम पूरे के पूरे 30 रोजे रखते हैं जी, लेकिन इस साल तो पूरे घर में ही रोजे रखना पड़ा जी, और कहीं आप जा नहीं सकते। नमाजों भी घर में अदा की, ईद की नमाज भी हमने घर में अदा की जी। यहाँ तक कि खुशियाँ जो है जी, सब घर के बैठ के बात किए, जो कुछ भी होता है सबको माफ किए। हम ये चाहते हैं कि ये बीमारी इस दुनिया से, इस देश से बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाए और सब अमन और चैन के साथ एक भाईचारे के साथ रहे। का नाम मोहम्मद आरिफ। हमारे साथ एक नन्ना रोजादार ओवेश रजा यहाँ पर है जी, बताइए ओवेश। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे कि हम ईद मना रहे हैं, वैसे इसी धूमधाम से हम ईद घर में ही मना सकते हैं, तो हम मना रहे हैं और बहुत सेवाई खा रहे हैं। और इस त्यौहार में हम बहुत कुछ नया सीखे हैं और हम नमाज भी घर में ही पढ़े हैं। जैसे कि सब मस्जिद ईदगाह में जाते हैं तो हम नमाज मस्जिद में पढ़े हैं, घर में पढ़े हैं, सब जन एकजुट मिल के नमाज पढ़े हैं घर में। जैसे कि हम पहले मनाते थे ईद, वैसे ही मन रही है, बहुत अच्छे तरीका से हम मना रहे हैं त्यौहार को। और आपने कितने दिन का रोजा रखा है? मैंने पूरे 30 दिन का रोजा रखा है जी। अल्लाह से आपकी क्या दुआ? अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि जल्दी जल्दी ये बीमारी दूर हो जी। आपका नाम? मोहम्मद उवेश। हमारे साथ नगर मुस्लिम जमात के प्रमुख यहाँ पर है मुश्ताक ढेवर जी, उनसे बात करना चाहिए जी। मुश्ताक ढेवर जी, आज की इस तरह से आप लोगों ने नमाज अदा की है, ईद मनाया है, इस संबंध में जानकारी बताइए। आज की जो ईद की नमाज है, इसमें 30 रोजे रखने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन ये सब कोरोना वायरस के कारण जो शासन का आदेश है, उनका जो निर्देश है, उसी के आधार में जो 4-5 लोग की ही नमाज पढ़ा के नमाज की अदा की जा रही है और बाकी लोग जो भी जमात के हैं उनको सबको बोल दिया गया है कि सब अपने घर घर में नमाज पढ़ें और ईद की नमाज वहीं पढ़ के अपनी ईद को पूरा करेंगे जी। आप लोगों ने नमाज, विशेष नमाज अदा करके अमन शांति की कुछ ऐसी दुआ मांगी? हाँ, हमने इस कोरोना वायरस के लिए भी मांगी कि जो एक बहुत बड़ी जो बीमारी है, इसके लिए हमारी पूरी जमात ने, सब ने अपने घर में और मस्जिद में भी हमारे जो मौलाना साहब हैं उन्होंने भी मांगी है कि इसकी ये बीमारी जल्द से जल्द पूरी दुनिया से दूर हो जाए और किसी को भी कोई इस बीमारी में चपेट में ना आए। आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक भेवर है, मैं परम मुस्लिम जमात का अध्यक्ष।